शहर में दिन ब दिन लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यह काफी चिंता का विषय है, जिसके चलते मनपा प्रशासन और पदाधिकारी द्वारा लिया गया जनता कर्फ्यू का निर्णय सही है। ऐसी जानकारी विधान परिषद के विधायक गिरीश व्यास इन्होंने दी है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनसे बातचीत की ये एक्सक्लूसिव खबर। शहर में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए अब तक कई उपाय किए गए, लेकिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम करने के लिए मनपा के अधिकारी और पदाधिकारियों द्वारा जनता कर्फ्यू का निर्णय एकदम सही है। ऐसी जानकारी महाराष्ट्र विधान परिषद के विधायक गिरीश व्यास इन्होंने दी है। विधान परिषद के विधायक गिरीश व्यास हमारे साथ में आई, उनसे जानना चाहेंगे। गिरीश जी, ये बताए कि जिस तरह से ये जनता कर्फ्यू है, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कोरोना की अगर चेन हमको तोड़नी है तो हमको जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है, पर व्यापार भी चलना चाहिए, लोगों का जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। इस दृष्टि से कल जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर जो निर्णय किया गया, सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, खासदार, माननीय आयुक्त थे, माननीय एडिशनल कमिश्नर पुलिस थे, और उसमें ऐसा निर्णय हुआ कि दो दिन की मान हमने बंद करना चाहिए, शनिवार और रविवार, और ये हम बंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नागपुर की जनता ने इसको स्वीकार कर लिया है। मैं अभी जिन क्षेत्रों से घूम के आया हूँ, मैंने काफ़ी अच्छा इसको स्वयंस्फूर्त बंद देखा है। सबकी मदद जो मिल रही है, यही मदद आवश्यक है। इसमें ज़्यादा सख्ती ना करनी पड़े, हम हमारी डिस्टेंस को मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, मास्क कंपलसरी हमने लगाना चाहिए, यही आह्वान इस माध्यम से अब सब लोगों को करते हैं। तो आप थे गिरीश जी व्यास, जिन्होंने बखूबी व्यवस्था साथ बात करते हुए ये कहा कि जनता कर्फ्यू के दौरान उन्होंने भी शहर में पूरा मुआयना किया है, जिसके चलते लोगों का, नागरिकों का रिस्पांस मिलते हुए उन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।